हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोनलेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक रिव्यू जो कि हमारे कीबोर्ड के स्टैंड का। तो अगर आप अपने मिडी कीबोर्ड या फिर अपने किसी भी म्यूजिकल कीबोर्ड के लिए स्टैंड की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। मेरे पास है 49 कीज़ वाला नेक्टर AC49 मिडी कीबोर्ड जो कि एक सस्ता कीबोर्ड है, अराउंड 7000 के करीब ये मिल जाता है। और ये स्टैंड मैंने अमेजोन से 1150 में मंगाया है। मैंने एक हाथ से अपना फ़ोन कैमरा पकड़ रखा है इसलिए वीडियो थोड़ी शेकी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको इस वीडियो में समझा दूं सारी बातें। इसे अनबॉक्स करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। चूंकि ये डबल ब्रेस्ड स्टैंड है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का आएगा। स्टेबिलिटी के लिए ये चार मिल जाता है जिसे कि आप कसेंगे। इस वीडियो में हम लोग कैसे इसे असेंबल करते हैं और साथ ही प्ले करके भी देखने वाले हैं, कुछ प्लकिंग्स करके भी मैं दिखाऊंगा आपको। वो भी वेलोसिटी सेंसिटिव कीबोर्ड है इसलिए मैं हार्ड स्ट्रोक करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये शेक होता है या फिर नहीं। 100 वेलोसिटी के प्रेशर से अगर हम प्ले करते हैं तो क्या ये स्टैंड हिलता है, तो इस पर बात करेंगे। बेसिकली मैं बता देना चाहता हूँ ये हिलता नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस देखने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। सबसे पहले असेंबल की बात करते हैं। तो ये जो स्टैंड है उसे सबसे पहले खोल दें आप, सिंपली खोलने से ये खुल जाएगा। और यहाँ पर बीच में देख सकते हैं आप, ये है आपका हाइट एडजस्टमेंट का। इसे आप खींचेंगे अपनी ओर ज़ोर से तो ये निकल जाएगा, आप देख सकते हैं होल है। और उसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी हाइट ऊंची रखनी है तो आप ऊपर उठा सकते हैं, नीचे रखनी है तो आप नीचे कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये अचानक से, अगर आप सही से नहीं इसे नीचे करेंगे तो अचानक से आपकी उंगलियाँ चप सकती हैं इससे, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी दोस्त की हेल्प ले लें इसे कम्प्लीटली असेंबल करने में। तो यहाँ पर हम लोग इसे फिट कर देंगे इस तरह से। तो इस स्टैंड पैक के साथ 9 स्क्रूज मिलते हैं आपको, और साथ ही साथ 2 एक्स्ट्रा स्क्रू भी मिलता है जो कि हम लोगों के काम नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों का 49 की वाला कीबोर्ड है। ये 49 की से ज़्यादा वाले कीबोर्ड के लिए ये होती है क्योंकि वो महंगे कीबोर्ड होते हैं और उसमें नीचे में होल रहता है इसे कसने के लिए। तो उसे कस देने के बाद आपका जो कीबोर्ड है वो स्टैंड के साथ कम्प्लीटली अटैच्ड हो जाता है जिससे कि गिरने का डर नहीं होता है। हम लोगों का 49 की वाला है इसलिए इसे हम लोग बढ़िया से फिक्स करेंगे। कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ये जो बेल्ट देख रहे हैं वो भी हम लोगों के कीबोर्ड में नहीं आने वाला है क्योंकि इसमें कुछ भी फिक्स करने के लिए है ही नहीं, ये जस्ट प्लेस्ड रहेगा इस स्टैंड के ऊपर। ये बेल्ट जो है वो 49 कीज से ज़्यादा वाले कीबोर्ड्स अगर लेते हैं या एक्सपेंसिव कीबोर्ड्स लेते हैं तब आपको ये बेल्ट कीबोर्ड को स्टैंड से अटैच करने का काम आएगा। तो फिलहाल हम लोगों ने इसके सारे पार्ट्स को असेंबल कर लिया। अब देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का दिखता है। एक स्क्रू एक्स्ट्रा मिलती है इसमें, टोटल 8 स्क्रू यूज़ होगा और एक बचा हुआ रहेगा आपके पास। अब इसे अगर आप देखें दूर से तो कुछ इस तरह का दिखेगा और कीबोर्ड प्लेस करने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। हाइट की बात करें तो अगर मैक्सिमम हाइट देखें तो मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच और मैं काफ़ी कंफर्टेबली प्ले कर सकता था इसके फुल हाइट में, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इसके सबसे मिनिमम हाइट को आप रखें बैठ के प्ले करने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से यह स्टैंडिंग पोजीशन में उतना सेफ नहीं है यूज़ करना क्योंकि ये स्टैंड के साथ अटैच्ड नहीं है। और जब हमारे पास पैसे ही नहीं है कि एक्सपेंसिव वाला कीबोर्ड खरीदें तो कीबोर्ड को बेकार का स्टैंड पर रिस्क देना सही नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसे सबसे निचले पोजीशन में फिक्स करेंगे। हमने ऑलरेडी इसे नीचे वाले पोजीशन में फिक्स कर रखा है। अब हम लोग कीबोर्ड को काफ़ी सोच समझ कर प्लेस करेंगे इस पर। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अपनी ओर ज़्यादा रखा है। आप आगे पीछे करके या लेफ़्ट राइट करके फिक्स करें बढ़िया से जब तक कि आपको अस्टेबल महसूस ना हो, और आप लेफ़्ट राइट दोनों साइड से प्रेस करके देख लें हार्ड स्ट्रोक दे करके। उतना भी हार्ड नहीं कि आपका कीबोर्ड टूट जाए, लेकिन अपने 100% वेलोसिटी जितना में आप दे सकते हैं एक नोट को वो सब प्रेस करके देख लें बिल्कुल फ्री हैंड से। अगर आपका ये कीबोर्ड अस्टेबल लग रहा है तभी आप उस पोजीशन में रखें, नहीं तो आप तब तक मूव करते रहें इसे जब तक कि आपका पोजीशन स्टेबल नहीं लगता। मैंने करीब 10 मिनट के बाद इसे स्टेबल किया। मैं हर एक पॉइंट पर कीबोर्ड को ले जा करके देखा और हम लोगों ने स्टेबल कर लिया इसे। तो ये आप पर है, आपको स्टेबल करना होगा खुद से। ये कन्फर्म है कि आपका 49 कीज वाला अच्छी तरह से इसमें रखा जाएगा, होपफुली कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड चूंकि आप ये होम स्टूडियो में यूज़ करेंगे तो आप कन्फर्म्ड रहें कि ये गिरेगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने पहले ही टाइम दे करके उसे स्टेबल कर लिया है। जैसे भी प्रेस करें हम बटन ये गिरेगा नहीं। हाँ, अगर इसे मिसप्लेस कर दिया जाएगा, लेफ्ट राइट खींच दिया जाएगा तब ये गिरने का चांसेस हैं, इसलिए इसे बस स्टेबल करने के बाद आप प्ले करें जैसे भी करना है प्ले, लेकिन कीबोर्ड जिस तरह से स्टैंड पर रखा है उसे आगे पीछे लेफ्ट राइट नहीं करें क्योंकि ये आपका 49 कीज़ वाला कीबोर्ड है और इसमें स्टैंड से अटैचमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, ये जस्ट प्लेस्ड होता है।
और 49 कीज़ में आपको यही मिल सकता है और कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि ये स्टैंड्स बेसिकली 49 से ज़्यादा के लिए बनते हैं, लेकिन 49 लिस्ट केस में चलता है। आपको मैं नीचे से दिखा देता हूँ कि इस कीबोर्ड में तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जो रबर वाला जो रबर ग्रिप था उसे ही मैंने कोशिश किया है कि स्टैंड के एक पार्ट में अटकाऊँ। एक साइड तो काफ़ी अच्छे से आ जाता है, दूसरे साइड में थोड़ी मेहनत होती है कि इसे स्टेबल कर दें, तो मैंने इसे वक्त दे करके अच्छे से स्टेबल कर लिया है। तो बैठ के प्ले करने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और चलिए देखते हैं फुल वेलोसिटी में मैं प्ले करूँगा और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल शेक नहीं करेगा। चूँकि मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है इसलिए मुझे दिक्कत होगी प्ले करने में, लेकिन फिर भी आप देखें मैं प्लकिंग्स कर रहा हूँ। तो हमारा जो फ़ोन कैमरा था वो चूँकि एक हाथ में था इसलिए वो हिल रहा था थोड़ा, बट ये स्टैंड बिल्कुल नहीं हिलती है। आप इसे खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हैं परचेज करके, ये शेकी स्टैंड्स नहीं है, बशर्ते कि इसे आप प्लेन सरफेस में रखें। तो यही थी सारी की सारी ज़रूरी बातें जो कि आपके मन में कन्फ्यूज़न होती है या हो रही होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, जितना हो सके इसे शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।